सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मुरादाबाद देहात की, जहां पर लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक बार फिर बदमाशों ने एक मजदूर पर कहर बरपाया और उसे चाकू से हमला कर लहूलुहान कर दिया। मगर मजदूर ने खून से लथपथ होते हुए भी हिम्मत नहीं हारी और बदमाशों को मौके से खदेड़ दिया। फिलहाल मजदूर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती है, वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चार जने हैं, वो गाड़ी से आ रहे हैं और आके उन्होंने दोनों बात करी उनसे, वो गाड़ी पर से उतरे, उन्होंने उतर के और बात करी तो वो दो आए और दो पीछे से मार कर चले गए। चारों जने क्या मारा था, कहाँ पर मारा था, चाकू मारा था, कहाँ पर मारा था, गर्दन पे मारा। क्या नाम है जिनके चाकू मारा था, नाम होता है, क्या इनको कोई मिलने वाले थे या कोई दुश्मनी थी आपसे पहले? उस बात को मुझे नहीं पता। अच्छा तो क्या पुलिस मौके पर आई थी यहाँ पर? बाद में आई। तो परिवार वालों को कहे सूचना मिली आप जो मौके पर थोड़े बहुत इशारा कर पड़े थे? सब रंग रंग मेरा तो पूरा खोल लिया। क्या उन्होंने हथियारों के बारे में बताया? चार जने बताए उन्होंने और वो चार बताए। अब कहाँ पर रहें? अस्पताल में। कौन से बारे में? क्या नाम है जो आपके भाई का? रामोदान नाम है उनका। अच्छा तो क्या किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से। क्या कभी कोई झगड़ा हुआ या ऐसा कुछ नहीं था? क्या पुलिस मौके पर आई थी वहाँ पर? नहीं, मौके पर नहीं आई है, बाद में आई है। लगभग कितने टाइम बाद आई? लगभग आधा पौन घंटे बाद आई है मुझे। अच्छा क्या वहाँ पर जो है जहाँ पर घटना हुई थी वहाँ पर 100 नंबर भी खड़ी रहती है और चौकी कितनी चौराहे से पहले ही खड़ी रहती है, वहाँ से लगभग 100 कदम दूर खड़ी रहती है। क्या रात मौके पर नहीं पहुँची 100 नंबर भी? ना, 100 नंबर नहीं पहुँच पाई। क्या जो बदमाश थे हमलावर, क्या उन्हें कोई पहचान हो पाई उनकी? नहीं। क्या अज्ञात बदमाश थे? अच्छा क्या उन पर तहरीर वहरीर दी गई है उनके खिलाफ कोई? तहरीर दी गई है। क्या चाहते हैं आप? जल्द से जल्द कार्रवाई चाहते हैं 2 दिनों में। अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन एसएन सावत आज महोबा पहुंचे। एडीजी एसएन सावत ने लाइन सभागार में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने चुनाव में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एसपी सहित तमाम थाना प्रभारियों को सख्त आदेश दिए। आज महोबा आगमन का मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहा कि पुलिस द्वारा चुनाव की किस प्रकार तैयारी की गई उसका समीक्षा करना और उसके साथ साथ जनपद में सामान्य कानून व्यवस्था एवं आपराधिक स्थिति की समीक्षा करना। ये थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी तथा अन्य अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा की कार्य की गई। इस समीक्षा से पहले मेरी DIG, SP, एडिशनल SP एवं जिलाधिकारी महोबा से भी विस्तृत चर्चा हुई थी और उसके बाद मैं यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधिगण वो आए थे उनसे भी मैंने मिलकर और उनकी उनसे फीडबैक लिया था और उन्होंने भी जो हमारे व्यवस्था है और जो निष्पक्षता है, जो पारदर्शिता है, उस पर उन्होंने संतुष्टि प्रकट किया था। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे थानाध्यक्षों की और अन्य अधिकारियों की जो मीटिंग रही उसमें चुनाव की तैयारी में फोर्स का हमारा किस प्रकार डिप्लॉयमेंट रहेगा, जिला सुरक्षा योजना किस प्रकार बनेगा, निरोधात्मक कार्रवाई अभी तक क्या किया गया है और किसमें क्या कमी है और उस संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। जैसे कि आप जानते हैं कि जिले में 508 मतदान केंद्र है और 772 मतदेय स्थल है और इस जनपद को चुनाव के दृष्टि से 11 जोन एवं 75 सेक्टर में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के बॉर्डर होने के कारण यहाँ पे बैरियर्स के पर्याप्त संख्या में व्यवस्था किया करके वहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में इस जनपद को अर्धसैनिक बल PSC एवं सिविल पुलिस का फोर्स उपलब्ध किया गया है और उस प्रकार जो डिप्लॉयमेंट का जो डिटेल्स बारीकी के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया, फीडबैक लिया सभी थानाध्यक्षों से, उन्होंने क्या क्या कार्रवाई किया है, थाना क्षेत्र में किस प्रकार शांति रहेगी, किस प्रकार वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए उनके द्वारा प्रयास किया गया, किस प्रकार जन सहयोग लिया जा रहा है, उसके साथ साथ मतदान का प्रतिशत कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए उसके लिए, और उसके साथ वोटर्स जो एक्सपीरियंस होगा, वोटिंग एक्सपीरियंस वो कैसे अच्छा हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया।
सर, पहले भी कई विवाद आए हैं यहाँ चुनाव के दौरान, इसको लेकर के इस प्रकार की तैयारियाँ पिछले, वैसे तो विशेष कई विवाद यहाँ पे नहीं रहा, लेकिन जितने विवाद पहले रहे हैं और जितने केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें सब में चार्जशीट एड करके कार्रवाई की जा चुकी है और उसका लॉजिकल कंक्लूजन में उसको पहुँचाया जा चुका है। और इस बार ध्यान रखा जाएगा जो पहले से इलेक्ट्रल ऑफेंसेस में जड़ित रहे हैं, जो संलिप्त रहे हैं, उस प्रकार व्यक्तियों के खिलाफ हम लोग विशेष निगरानी रखेंगे। और पहले से ही हम लोग उनको पीस कीपिंग के लिए बाउंड डाउन भी कर चुके हैं और हम लोग इस पर विशेष ध्यान। वहीं जुनपुरा में लगे बीएसएनएल टावर का एंटीना अचानक गिर गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। गनीमत रही कि बच्चों पर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। कैसे हुई घटना? क्या सर, शाम को 7:30 बजे करीब घटना है। हम बच्चे और हम सब लोग बैठे थे यहाँ पे और अचानक आंधी सी आई और ये ऊपर से गिरा, तो मैं यहीं पे खड़ा था और मेरे बच्चे लोग यहाँ बैठे हुए थे। कई बार हमने बीएसएनएल वालों को दिए लिख के, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। कैसे घटना हुई? ना आंधी आई एकदम से और एक टावर पे से, वो पता नहीं कैसे गिरे, मैं बच्चों के साथ में बैठी थी और एकदम से बस वो गिरा पिलर जैसा, एकदम दम से आवाज आई। अगर कुछ होता तो इसके जिम्मेदार कौन था? देश में लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी जोरों पर है, तो वहीं हरियाणा की बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 6वें चरण में 12 मई को होना है। ऐसे में गुरुग्राम जिला प्रशासन ने चुनाव से संबंधित अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 6वें चरण के लिए नामांकन 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दाखिल किए जाएंगे, जबकि 26 अप्रैल को नामांकन वापस लिया जा सकेगा। नामांकन की प्रक्रिया के दौरान कोई भी उम्मीदवार जिला सचिवालय के 100 मीटर के दायरे में 3 गाड़ी और 4 लोगों को ही अपने साथ ला सकेगा। और जो कल से हमारे नॉमिनेशंस की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बारे में मैं आपसे एक बार रूबरू होना चाहता था और आपके द्वारा अपने पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी हमारे नागरिक हैं उन तक भी मैं संदेश पहुंचाना चाहता था। कल से लेके 23 तारीख तक सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया रहेगी। 24 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी तथा 26 तारीख तक विड्रॉल का समय रहेगा। उसके बाद सिंबल लिस्ट, कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल होने के बाद मतदाता सूची, मतदान पेटी के ऊपर जो हमारी उम्मीदवार सूची है वो तैयार की जाएगी और आगे की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। तो इस पूरी नामांकन प्रक्रिया को लेके अनेकों बार हमारी सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर जितने भी हमारे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनसे इंटरेक्शन हुई है। आपके द्वारा भी मल्टीपल टाइम्स ऐसे मैसेज करवाए गए हैं जो कि सबकी सहूलियत के लिए रहें और हमारे लोकतंत्र में जितने भी भागीदार बनना चाहते, चाहे उम्मीदवार हों चाहे मतदाता बन के, उन तक एक सारी सूचना समय पर पहुँच पाए। तो इस नामांकन की प्रक्रिया में हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो चुनाव आयोग द्वारा बनाई गई है उसमें कुछ कपल ऑफ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं। एक तो जो आपने भी कई बार मेरे से कोट मांगे हैं या फिर आपने पूछा है कि कितनी गाड़ियां परमिटेड होती हैं, कितने व्यक्ति परमिटेड होते हैं, तो गाड़ियां हमारे 100 मीटर की परिधि में नाका स्थापित किया जाएगा। मल्टीपल नाकेज होंगे ताकि ना तो हमारे आम जनजीवन प्रभावित हो और जो हमारे उम्मीदवार अपना नामांकन करने आ रहे हैं वो भी अपना ये पूरी प्रक्रिया एक हैसल फ्री मैनर में संपन्न करा पाएँ। तो विद इन 100 मीटर्स ऑफ दिस कंपाउंड 3 व्हीकल्स आर परमिटेड और मेरे अपने कोर्ट रूम में जहाँ पे ये नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी सामने रूम में, उसमें एक उम्मीदवार के साथ अप टू 4 मेंबर्स आर परमिटेड। तो 5 पर्संस पर कैंडिडेट इंक्लूडिंग द कैंडिडेट। समय रहेगा 11 से 3, 16 से 23 तारीख तक। अब जैसे नामांकन प्रक्रिया हमारी शुरू होगी तथा पूर्ण हो जाएगी एक हफ्ते के समय के भीतर, तो मुझे और आप सबको भी ये ज्ञात होगा कि चुनावी प्रक्रिया अगले चरण में हो जाती है और ज़्यादा तेज़ी आती है। और ऐसे समय पे हमारी सभी पॉलिटिकल पार्टी से आह्वान रहता है कि कोई भी वायलेशन ऑफ मॉडल कंडक्ट ना की जाए। जो एक समानता की दृष्टि से एक आचार चुनाव संहिता बनाई गई है उसका पालन किया जाए। और आपसे भी मेरे यही आग्रह रहेगा, कहीं पे भी कोई वायलेशन अगर फेस करते तो आप मोस्ट वेलकम हो, मुझे आप इंटीमेट कर सकते हो। अदरवाइज़ एक सी विजिल ऐप भी है, आप उसका भी भरपूर प्रयोग कीजिए। जहाँ भी आपको या फिर आप आगे भी दर्शा सकते हो, हमारे
श्रोताओं को या फिर हमारे पाठकों को आपके प्रकाशन के अगर कोई भी ऐसा वायलेशन लगता है सी विजिल के द्वारा आप हाईलाइट करिए, उस पर समयबद्ध तरीके से एक्शन लिया जाएगा। हमारे पार्लियामेंट्री सीट में 4 ऑब्जर्वर्स रहेंगे, 2 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो कि कल हमारी प्रक्रिया के आरंभ होने के समय में हमें ज्वाइन करेंगे, श्री नीरज कुमार तथा श्री विनोद कुमार, 2008 तथा 2010 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। साथ में हमारे जो सामान्य ऑब्जर्वर हैं श्रीमती मनमीत नंदा मैडम, 2000 बैच, वेस्ट बंगाल कार्डर। वो हमें आशा है कि नामांकन प्रक्रिया जब शुरू होती है उसके 22 तथा अथवा 23 तारीख को हमारा हिस्सा बनेंगी, हमें ज्वाइन करेंगी। पूरी प्रक्रिया में वो चुनाव आयोग के ही ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करने के लिए होते हैं, कोई भी ऐसा वॉयलेशन या फिर कोई कमी पेशी ना रह जाए और चुनाव एक फ्री एंड फेयर तरीके से संपन्न हो। एक हमारे पुलिस ऑब्जर्वर भी रहते हैं, वो भी हमें शॉर्टली ज्वाइन करेंगे इस पूरे प्रोसीजर को ओवरसी करने के लिए। जितनी भी सूचना उम्मीदवारों के द्वारा दी जाएगी उसको ऑनलाइन भी शेयर किया जाता है, एक सिंगल वेबसाइट होती है ताकि आप भी उसे चेक कर सकते हो, उसको वेरीफाई कर सकते हो, कोई कमी हो तो हाईलाइट कर सकते हो। और साथ साथ हमारा आम नागरिक, एक आम मतदाता जो अपना निर्णय लेने जा रहा है कि किसको मतदान देना है, उसकी भी सहूलियत रहे और सूचना उसके पास पूर्ण रहे कि किस प्रकार से किस उम्मीदवार को उसे लगता है कि उसका भविष्य, देश का भविष्य बनाने में सबसे बेहतर योगदान रहेगा। चुनाव में अधिक से अधिक लोग मतदान करें, इसके लिए हमारा एक प्रयास रहा था कि मैक्सिमम नए वोट्स हमारे बने। मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, करीब 65,000 हमारे नए वोट्स बने हैं हमारी चारों विधानसभा की सीट कंबाइन करके। और अब आने वाले समय में हमारा यही प्रयास रहेगा कि जितने हमारे वोटर्स हैं, 11 लाख से अधिक हमारे मतदाता रहेंगे, वो सारे आने वाले हमारे 12 मई के मतदान को सब अपना मतदान का अधिकार यूज़ करें, प्रयोग करें। तो इसीलिए मेरा आपसे भी आह्वान रहेगा, आप भी इस प्रकार से जो भी प्रोग्राम अथवा प्रकाशन चलाएंगे तथा आप हमें, हमारे ARO's को, हमारे चुनावी विभाग को जहाँ भी आमंत्रित करना चाहोगे हमारी खुशी होगी और हम ज़रूर उनमें भाग लेंगे ताकि जिनके मतदाता मतदान तैयार हो गए हैं वो इसका प्रयोग समय पे करें और उन्हें पूरा अंदाज़ा रहे कि वोट किस समय किस बूथ पे। एक और मैं ऐप की आपसे शेयर करना चाहूँगा, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, ECI के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा बनाई गई है। उसमें बहुत ही सहूलियत से कोई भी मतदाता अपने वोट के बारे में सारी सूचना देख सकता है, नाम सर्च कर सकता है ताकि आने वाले मतदाता हमारे दिन पे उसे कोई भी परेशानी ना झेलनी पड़े। 12 मई का दिन होगा, काफ़ी गर्मी अपेक्षित है, इसलिए 11 मई को जब हमारी टीम्स तथा मटेरियल डिस्पैच किया जाएगा तो ये भी प्रयास रहेगा कि सारी चुनावी पार्टियों को बेसिक सुविधाओं का कोई भी अभाव ना रहे। और सिमिलरली 12 मई को मतदान के दिन जो हमारे वोटर्स हैं उनको भी किसी भी बेसिक सुविधा का, एक अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ कही जाती हैं AMF, उसमें कोई कमी ना रहे। उसमें आपके ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, वेटिंग शेड, प्रायोरिटी क्यूज, अगर कोई हमारे स्पेशली चैलेंज्ड, स्पेशली एबल्ड वोटर्स हैं उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था, ऐसे अनेकों कदम रहते हैं चुनाव आयोग के द्वारा ताकि वोटिंग एक आपका बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस रहे, कोई भी आपको इसमें परेशानी या कोई अड़चन नहीं झेलनी पड़े। अंत में मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप हमारे आइज एंड ईयर्स हैं और पूरे देश में ये जो लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है हम भी उसके सहभागी बने। अच्छी हैबिट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस ज़रूर हाईलाइट करें, कहीं पे कोई कमी हो रही है तो वो भी आप दर्शाइए ताकि हम उस पर सुधरने का मौका कर सकें और कोई कमी हो उसको हम इम्प्रूव करें। तो दिस वॉज अ ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर्टेनिंग टू इलेक्शंस ओनली, एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, आई विल बी ग्लैड टू आंसर। जिले में 65,000 वोट नए वोट बने हैं, कौन से विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, किसमें सबसे कम? देखिए उसका ब्रेकअप आपको एग्जैक्ट भी प्रोवाइड करा देंगे। और बादशाहपुर, गुरुग्राम में काफ़ी संख्या रही है, जो हमारे जिस प्रकार से आप देख सकते हो जनसंख्या जिस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ी है, जहाँ पे ज़्यादा हमारी कॉलोनाइजेशन या फिर आपकी हाई राइज बनी है,
अकॉर्डिंगली उसी रेशियो में ही वहाँ पे ज़्यादा वोट्स भी क्रिएट हुई हैं। इट जस्ट डिपिक्ट्स अ नेचुरल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। रूरल एरियाज़ में भी उस स्पीड से क्योंकि पॉपुलेशन नहीं बढ़ती तो वहाँ पे एक नॉर्मल इंक्रीज हुई है, बट जहाँ पे बहुत फास्ट ऑर्गेनाइजेशन हुई वहाँ पे ज़्यादा वोट्स बने। सर, पिछले चुनाव में हमने देखा कि ग्रामीण और खास करके जो अनपढ़ इलाके हैं जैसे मेवात के, रेवाड़ी के, उन क्षेत्रों में ज़्यादा मतदान हुआ, जबकि बादशाहपुर, गुड़गांव जैसे हाई प्रोफाइल इलाकों में कम मतदान हुआ। इन क्षेत्रों में मतदान बढ़ाने के लिए क्या? देखिए, हमारा प्रयास यही रहता है कि सब मतदाता हमारे लिए समान है और हर एक को ही हम जागरूक करें कि आप अपने मतदान का अधिकार कीजिए। अगर कहीं पे लो वोटिंग टर्नआउट के ऐसे बूथ्स रहे हैं उन पे एक एक्स्ट्रा फोकस रहता है, इसीलिए मैं स्वीप एक्टिविटी का आपसे जिक्र कर रहा था। और चाहे आप एक ऑर्गेनाइजेशन का एक इसे एस्पेक्ट कह लो, तो उन इश्यूज़ उन एरियाज़ में भी रीच आउट करके यही प्रयास रहेगा कि मतदाता अपने मतदान का अधिकार 12 मई को सब इसको प्रयोग करें। सवाल का मतलब ये था कि क्या निर्वाचन विभाग ने, निर्वाचन आयोग ने यह जानने की कोशिश की कि जो सोसाइटियाँ हैं, हॉस्ट कॉलोनियाँ, वहाँ से लोग कब निकलते हैं? देखिए, चुनाव आयोग का यही फोकस रहता है कि लो टर्नआउट बूथ्स के जो भी रीज़न रहे, जैसे हमारे केस में या इनफैक्ट कई बार दिल्ली या बाकी जो हमारे बड़े शहर हैं उनमें भी देखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में ऑफन रूरल में ज़्यादा रेशियो रहता है वोटिंग परसेंटेज का, अर्बन थोड़ा सा लैग बिहाइंड करता है। तो रीजंस एज सच ईसीआई द्वारा ज़रूर जांचे जा रहे होंगे, परंतु हमारा जहाँ तक एक रोल रहता है, प्रयास रहता है कि चाहे रीज़न जो भी रहा हो पर मोटिवेट करें, सबको अवेयर कराएं और कोई भी परेशानी ना रहे। इसीलिए मैं चाहता हूँ आपके द्वारा वोटर हेल्पलाइन जैसी ऐप से पहले अपना चेक कर लें मतदाता कि कहाँ पर उन्होंने मतदान देना, कोई परेशानी उस दिन फेस ना करें। यूपी के मुरादाबाद की बात करते हैं, जहां गांव लखनपुर लाडपुर में शरारती लोगों ने गेहूं की फसल में आग लगा दी, जिससे किसानों की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इस आगजनी की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर आई और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम गुल हसन है, लखनपुर लालपुर के रहने वाला। क्या घटना घटी आपके साथ? घटना ये घटी साहब, क्या कहेंगे, मैंने ये खेती कर्जा लेकर पाली, छोटे छोटे बच्चे हैं इसमें, सल गई, कोई पता नहीं कैसे चली, हम मैं इन बच्चों का गुजारा कैसे करूँगा। क्या किसी को ये पता है कैसे आग लगाई किसी ने? किसी पर शक वगैरह? किसी पर कोई शक नहीं, मगर ऐसा कोई पता नहीं किसने लगाई। कितने नुकसान हुआ लगभग? तीन एकड़। क्या आपने किसी आला अधिकारी को इसकी सूचना दी थी? हाँ, सोलह मर वालों को। मौके पर कोई आया हुआ था? ना आए हुए थे, आए थे बाद में आए। ये आग कैसे बुझाई फिर आपने? मतलब ऐसा आग ऐसे बुझे, कुछ पानी से बुझाई, कुछ बालक आदमी जो आ गए भाज के, तो लकड़ी पकड़ी तोड़ तार का और पास से पत्तों से बुझाई। पूरे गांव से पूरे गांव भाजिया। शासन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? नुकसान दे देना साहब मुझे और सरकार, मेरे बच्चों का गुजारा हो जाओ, मैं यही चाहता हूँ। क्या नाम और कहाँ के रहने वाले? सर, मेरा नाम नाजिम है, लखनपुर मिलक में रहते हैं। क्या घटना घटी आपके साथ? सर, घटना ये सुबह में हम 8-9 बजे तक गेहूँ काटे थे, फिर आग हम दवा लेने के चले गए थे, आके देखा तो फिर आग लगा हुई मिली थी 12-1 बजे के टाइम। कितना नुकसान हुआ लगभग? कितने खेत पर हाथ हुआ? सर, ये 3 एकड़ जमीन है, सब जल रहा था, अब क्या चाहते हो शासन से, क्या अपील करना चाहते हो? सर, चाहते का ये चाहते हैं अगर कुछ सहायता हो जाए सरकार से, तो नुकसान गरीब आदमी है, नुकसान का मुआवजा भर दे, नुकसान का मुआवजा हो मिल जाए थोड़ा बहुत।